कुछ खाने को नहीं मिलेगा आपको जब तक आपका डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता। तुम पागल तो नहीं हो गए? डीएनए टेस्ट बच्चा होने के बाद होता है। मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन अब क्या है ना कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, अब डीएनए टेस्ट बच्चा होने से पहले भी हो सकता है। मैंने डॉक्टर्स को फोन कर दिया, वो रास्ते में आते होंगे, तो जब तक वो आ नहीं जाते और डीएनए टेस्ट हो नहीं जाता, आप ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। ये डॉक्टर को कब बुलाया तुमने? हेलो डॉक्टर रस्तोगी जी, मैंने आपका आज आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर। हाँ, मुझे आपकी टीम को बुलाना था अपने घर और जांच करवाना था। और हाँ, अगर कोई परमिशन वगैरह चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं सारी फॉर्मेलिटीज आज ही कंप्लीट कर दूंगा। नहीं नहीं, इसमें किसी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो फिर मैं आपको अपना एड्रेस भेज देता हूँ और जो भी डिटेल्स है बाकी सारी वो मैसेज कर देता हूँ। शुक्रिया। अब कल सुबह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। धैर्य तो आज ही टेस्ट करवा रहा है, ये मॉम कुछ कर क्यों नहीं रही? धैर्य, भूख तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मुझे बहुत प्यास लगी है, प्लीज पानी पी लेने दो। कुछ नहीं मिलेगा आपको। मुझे पानी नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। प्यास लगी तो थोड़ा पानी पी लेने दीजिए ना। नहीं, जब तक डॉक्टर्स नहीं आ जाते ना खाएंगे ना कुछ पिएंगे। ये किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं आप? माना कि टेस्ट करवाना है, लेकिन पानी पीने में तो कोई मना ही नहीं, और प्रेग्नेंट औरत के साथ ऐसा व्यवहार करना, ये ठीक लगता है क्या आपको? धैर्य, संतोषी सही कह रही है, पानी तो पी लेने दो इसे। देखो संतोषी, मैं तुम्हारे तरह इतना महान नहीं हूँ। आप जैसे भी हैं धैर्य सर, इनकी हालत तो देखिए, वो कह रही है उनसे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही, तो थोड़ा पानी पी लेने दीजिए ना। ठीक है, मत दीजिए पानी, लेकिन फिर जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। ठीक है, वो कर सकता हूँ मैं। हेलो डॉक्टर। हाँ, कहाँ पहुंचे आप? जी जल्दी आ जाइए प्लीज, बस आ रहे हैं थोड़ी ही देर में। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए ताकि अभीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए? पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा।
आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।